हेलो बच्चों, आवाज आ रही मॉर्निंग है क्या? सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? सर यस धीरे आ रही सर। है। सर ओके। और वीडियो आ रहा है? क्लियर? वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? यस है? सर वीडियो आ रहा है क्लियर? यस सर आ रहा है। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड और क्लास चालू करें? मॉर्निंग आवाज क्लियर? आप बस, किसी का ऑडियो चालू है, किसी का माइक चालू, माइक बंद करो आप एक बार, है ना? किसी का माइक चालू है, ठीक है? ठीक है बच्चों, यस सर। क्लास चालू करें। यस सर। ओके यस ओके, सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक। ओके। बच्चों नजर आ रहा है आपको? पूरा पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है ना पूरा? यस सर। ओके चलो बच्चों, आज हम लोग यस सेकंड चैप्टर सर। चालू करें। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया था बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, और अब फर्स्ट चैप्टर में आपने वो कर भी लिया, मुझे अपेक्षा कर भी लिया होगा। अब हम लोग यू कर सकते हैं, आप चालू कर दें अपना सेकंड जो चैप्टर है बच्चों। अब सेकंड चैप्टर भी वर्गीकरण से ही है। पहला जो पहले चैप्टर में आप लोग बच्चों ऐसा करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन और भी आपकी बुक में रहते हैं, उन बुक के क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों? और पर डे आप ज्यादा भी नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन रोज बनाओगे। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। हालांकि बच्चे काम भी कर रहे हैं, काफी अच्छे बच्चे हैं जो काम करके भेज रहे हैं, लेकिन आप लोगों के एक बच्चे वो जो किलेरी है, कि किलेरी किलेरी क्लास नहीं ले रही क्या आजकल? के शांता, मीणा, आदित्य। बेटा किलहरी पूरा नाम क्या उसका सानिया खिलेरी। है? सानिया खिलेरी। सानिया। वो क्लास नहीं ले रही क्या? क्या सब्जेक्ट चेंज कर लिया? सर ले रही ले रही है है। यस सर। सर सानिया किलेरी। देना। यस सर। ओके बच्चों, ठीक। आपकी 98 है? 99 है बेटा? क्या परसेंट है? 99। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको परसों पूछ रहा था आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है ना? आराम मेहनत करो। सभी बच्चों के लिए, एक सानिया के लिए नहीं, सभी के लिए कर रहा हूँ। सभी बच्चे मेहनत करेंगे, ठीक है? चलो हम आप अब जो सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर चालू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप आराम से अगर पढ़ाई करने जाएंगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम है कि फर्स्ट चैप्टर में सजीवों की विशेषता क्या होती है, बताया था मैंने आपको। और सजीव विशेषता के बाद में सजीव निर्जीव अंतर बताया था। फिर वर्गीकरण क्या है, वर्गीकी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, पदानुक्रम क्या है। और पदानुक्रम में वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई जाति, सबसे बड़ी इकाई जगत। ओके। और आप भी जानते हैं कि द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति बच्चों क्या थी? नामांकन की थी। और नामांकन की हमें किसी भी पादप का या किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी जंतु का हर स्थान पर एक लोकल नेम होता है, राइट? और लोकल और स्थानीय नेम की वजह से उसकी पहचान ढंग से नहीं हो पाती है। तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, उसका अंतर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने, जो कैरोलस लीनियस ने, कौन सी पद्धति से नामांकन किया बच्चों? द्विनाम। नाम ये ध्यान रखो, द्विनाम पद्धति मतलब बाई नॉमिनल। ये ध्यान दो, बाई नॉमिनल मेथड गिवन बाई कैरोलस लीनियस। अकॉर्डिंग टू कैरोल लीनियस, द साइंटिफिक नेम मेडअप या कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, बताया था ना? फर्स्ट वर्ड टर्म इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीसीज। ये तो कम रहा होगा। वो पहला कौन सा बच्चों? पहला नाम क्या है वंश का, दूसरा नाम क्या है जाति का।
ये तो कन्फर्म हो गया ना हमारा बच्चों, ये तो समझ आ गया होगा, ये तो आ रहा है आपके समझ में? यस सर। अब उसके बाद मैंने पदानुक्रम आपको लिख कर बताया था, मानव का लिख बताया था, उसी प्रकार आप आम का भी लिख सकते हैं, मेंढक, हर प्राणी का पदानुक्रम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ज्यादा ना जाते हुए सिंपली मैं आपको कह रहा हूं, चाह रहा हूं कि बॉटनिकल और जूलॉजिकल जो नेम्स हैं बच्चों, देखो ये तभी आपको याद होंगे कि आप जितने भी बॉटनिकल नेम्स हैं उन्हें आप एक उसमें लिखो, एक पेज में, ध्यान से सुनना, सभी मेरी बात सुन रहे होंगे, उस पेज में सभी पादपों के जंतुओं के, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत करो आप, तो ज्यादा शुरुआत में पहले चालू करो 50-50 से चालू कीजिए आप, 50 तो 50 मतलब 25 बॉटनिकल पादपों के, 25 किसके, एनिमल्स के, कौन कौन सी मैन मुख्य मुख्य जो आपके चारों तरफ है, मुख्य मुख्य ये बरगद है, नीम है ना, या बबूल है, मानव है, मेंढक है, इनके जो जो आपके संपर्क, उनके आप लोग अपने पेज में लगाएंगे। और एक बार मैं बता दूं आपको, देखो साइंटिफिक नेम किसी भी व्यक्ति को याद नहीं हो सकते, चाहे मेरी बात कर आप, मुझे भी इतने याद नहीं, किसी भी व्यक्ति को साइंटिफिक नेम याद नहीं हो सकते। वो एक तरीका है कि साइंटिफिक नेम को आप क्या करो, एक पेज पर लिखो, और पेज पर लिखकर उस पेज को क्या करो, आप जहां स्टडी करते हैं अपने रूम में, तो स्टडी करने में जहां पर आपकी सिटिंग होती है, जहां पर आपकी टेबल चेयर होती है, उसके सामने की दीवार पर, ओके बच्चों, वहां पर उसको आप क्या कर लो, चिपका लो, समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अब ऐसा करने से क्या फायदा हो बताओ, देखें ठीक उस प्रकार जैसे हम लोग घड़ी हमेशा दीवार पर लगाते हैं, और घड़ी का यूज क्या होता है, समय देखने के लिए। तो जब भी हमें समय देखना होता है तो मकान में आते और जाते, रूम में आते जाते घड़ी देखते, और घड़ी से ही पता लगता है कि 2 बज गए, 2:30 बज गए, 2:45 हो गए, 12 बज गए, सोना है, जो भी है होता है ना। तो ऐसे अगर आप अपनी सिटिंग जहां पर आपकी टेबल है वहां पर अगर आप बहुत साइंटिफिक नेम की लिस्ट लगा लेंगे, तो आप बच्चों जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे, ओके, तो एक बार आप ज्यादा एक बार एक मिनट के लिए सभी नामों का दोहरान कर लो पर डे। आप अगर रेगुलर बच्चों, अगर मैं आप मानदर माने, अगर आपने रेगुलर ऐसा 15 दिन कर लिया तो सभी बॉटनिकल सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। अगर आप चाहते कि मैं याद करना चाहता हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू कांट लर्न मोर एंड मोर साइंटिफिक नेम्स, ओके। अदरवाइज अगर आप यू कह सकते हैं, अगर आप उनको एक राइटिंग पे जो लिख लेते हैं, और लिख कर एक तरीका दीवार पर चिपकाने का, दूसरा तरीका क्या है, अपने पॉकेट में रख लेंगे, पॉकेट में तब रखते बच्चों जब आप स्कूल आते, तो स्कूल आते तो आते जाते उसको आप फल लेते, अभी आप स्कूल नहीं आ रहे, घर पर ही, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका, समझ आ गया मैं जो बता रहा हूँ, समझ आपको बच्चों? सभी क्या करेंगे, एक पेज पर ज्यादा नहीं 50 लिखे, फिर वो जो आपको याद हो जाए तो उसके बारे में फिर एक नई लिस्ट और लगा लें, ठीक है, फिर एक नई और लिस्ट लगा, इस प्रकार देखेंगे कुछ ही दिनों में बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम जो होंगे वो आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। निकिता बच्चों समझ आ रहा है, निकिता आपके समझ आ रहा है, बच्चे प्रशांत ठीक है, पलक, केसंता, आदित्य, जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे इस समय, सब बच्चों को प्रतिभा, राजेश, ज्योति, प्रशांत, आज क्या करोगे, रिलैक्स मूड में आप साइंटिफिक नेम ढूंढोगे, ओके, ढूंढने के लिए गूगल पर जा सकते हैं आप, गूगल पर जाइए, और ज्यादा मत जाइए आप, ज्यादा के पीछे मत भागो आप, ठीक है, उनको लिख कर आप क्या करोगे, एक पेज पर लिख कर मुझे आप शाम को सेंड करो, चलो ठीक है, मैं आपका टाइम खराब नहीं करूं। अब अगला चैप्टर चालू कर रहे हैं, अगला चैप्टर चालू कर रहे हैं अभी, वो जो अगला चैप्टर हमारा है वही है, अगला चैप्टर अगर बात हम करें वर्गीकरण का ही है, आप जो ध्यान दो एक बार, हालांकि मैंने बता दी वर्गीकरण क्या चीज है, मैंने पहले बता दीजिए आपको, क्लासिफिकेशन बच्चों, वर्गीकरण बता दी था कि सजीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग संघ में, अलग अलग जगत में रखना, दैट इज वर्गीकरण। और इससे आप अपने घर में देख सकते हैं बच्चों, आप अपने रसोई के अंदर सामान आते, मसाले या रसोई में दाल आती है, जितने भी आपके रसोई में काम आने सामान, एक जगह रखते हो या अलग अलग डिब्बे में रखते हो, अलग अलग डिब्बे, बस तो आप अलग अलग डिब्बे में रखने का मतलब क्या, क्यों आपने अलग अलग डिब्बे में रखा, ताकि उनको पहचान सके, उनका ढंग से यूज कर सके। अगर आप उस सबको एक साथ रख दो देखे एक बार, तो पता ही नहीं लग पाएगा मिर्च का है, नमक का है, बूरा का है, चीनी का है, सूजी का है, मैदा का है। तो ऐसे में सभी सामान को क्या करते हैं, अलग अलग डिब्बों में
और उन डिब्बों के बाहर हम लोग नेम लिख देते हैं, लिखते हैं नेम कई बार, लिखते हैं बच्चों कई बार, यस सर। वो क्या कर दिया हमने, वर्गीकरण कर दिया। जैसे आप अपने किताब के ऊपर नहीं लिखते हो क्या, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स आता है ना, ये आपकी पेन है, ये आपकी पेंसिल है, ये आपका पेपर है, ये आपका इरेजर है, ये आपका बैग है, ये आपका मोबाइल है, ये आपका, ये आपके जूते है, आपके सैंडल है, ये आपका टी शर्ट है, ये आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, ये टाई है, ये मेरे सॉक्स है। तो ये सब आपने इनका सभी को क्या कर रखे हैं, अलग अलग नाम दिया हुआ है। और अलग अलग नाम देना मतलब अलग अलग जगह रखते हो आप। अब मुझे बताओ आप बच्चों, एक बात ध्यान दो, क्या हम सभी खाना बाथरूम में बनाते हैं और रसोई घर में स्नान करते हैं? नो सर, वेरी गुड, है ना। तो सबको बताया कि सबको मालूम है कि कौन से कमरे का क्या यूज होता है। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा स्टोर है, ये हमारा रसोई है ना। तो वो क्या बच्चों, वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण है। तो वही वर्गीकरण किसने कर दिया हमने, जंतुओं का, सजीवों का। अब वर्गीकरण का सबसे पहले शुरुआत की थी बच्चों अरस्तु ने। देखो वर्गीकरण की सबसे पहले शुरुआत की थी अरस्तु, जल्दी ज्यादा कमाए अरस्तु, ओके। अब अरस्तु ने बच्चों सबसे पहले क्या किया, जंतुओं को, किसको, जंतुओं का वर्गीकरण किया। जंतुओं की बात चल रही, केवल जंतुओं का, केवल केवल, ओके। अरस्तु के सिलसिले में वर्गीकरण का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। वैसे वैसे बच्चों फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी है वो कौन है, कैरोलस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बच्चों नामांकन में भी पद्धति दी, वो द्विनाम दी और वर्गीकरण में भी थी। तो वर्गीकरण की उसकी पद्धति पड़ेगी आगे। पहले आप तो अरस्तु दिख रहा है सबको, ये बच्चों अरस्तु दिख रहा है सर। जंतुओं का वर्गीकरण किया, किस आधार पर किया, देखो देखो, पहले जंतुओं का किया और जंतुओं का किसके आधार पर बच्चों, आरबीसी, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति का आधार। बच्चों आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ, मुझे अपेक्षा है कि उन्होंने जंतुओं को आरबीसी, यानी जिन जंतुओं में आरबीसी है और जिनमें नहीं है, तो आरबीसी के आधार पर, आरबीसी जानते हो ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो ब्लड में पाई जाती है, ओके, जंतुओं की आरबीसी के आधार पर। अब जिन जंतुओं में आरबीसी उपस्थित थी उनको उन्होंने, यानी जिनमें आरबीसी नहीं थी उनको तो रखा उन्होंने एनामा। मैं लिख रहा हूं एनेमा, ठीक है अभी। और जिनमें आरबीसी नहीं थी उनको रखा उसने इनेमा। बच्चों ढंग से ई, ये ई और ये ए। अब यानी इनमें वे जंतु जिनमें आरबीसी, यू कह सकते हैं, यू कह सकते हैं द एनिमल्स विच डोंट हैव या नो आरबीसी इन दीज एनिमल्स कॉल्ड एनाइमा। क्या नाम दिया उनको, जिनमें आरबीसी क्या होती है बच्चों, एब्सेंट। आप समझ पा रहे हैं क्या, वे प्राणी जिनमें जंतु, क्योंकि हम जानते हैं रक्त जंतु में होता है पादों में नहीं होता, ये तो मानते हो बच्चों, क्या जंतु में रक्त पादों में रक्त होता है क्या, नहीं। क्या पाद में तंत्रिकाएं होती है, आंख होती है, नाक होता है, जीभ होते हैं, ये होते हैं, नो सर। क्या पादों में हमारी तरह संवेदना, जैसे हम मैंने बताया था कि हमारे में हम सभी सेंसिटिव हैं, हम सभी किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्या पादप भी किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्या, नो सर। क्या पादों के चोट लगने दर्द होता है, क्या पादप रोते हैं, या पादों ने कभी आपको आवाज लगाई, नो सर। आवाज, वेरी गुड, है ना। तो पादप है तो सजीव, लेकिन पादपों में जंतुओं की तरह क्या नहीं है, तंत्रिका ही नहीं है, तंत्रिका तंत्र नहीं है और ना ही उसके अंदर ब्लड है। और देखो जंतुओं में तो क्या होता है बच्चों, अंग तंत्र होता है, अंग तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और मैंने बताया था आपको पहले, अगर आपको याद आ रहा, पादपों में अंग तंत्र नहीं होते, बस अंग होते हैं, जैसे जड़, रूट, स्टेम, पढ़ा ना आपने, स्टेम, लीफ, बर्ड यानी कलिका, फ्लावर, फ्लावर यानी पुष्प, और फ्रूट, फल, और सीड, बीज, ये किसके भाग है, पादपों के। तो पादपों में क्या देखा आपने, पादपों में अंग तंत्र नहीं है। पादपों के अंदर सबसे बड़ा भाग कौन है, अंग है, जैसे तना है, समझ आ रहे हैं। yes, तो सबसे yes, पहले yes, तो सबसे पहले जंतु किस आधार पर, आरबीसी क्या। तो अब वे जंतु जिनमें आरबीसी, वे जंतु जिनमें आरबीसी, आरबीसी एब्सेंट है, उन्हें तो क्या बोला उसने, एनाइमा। और वे जंतु जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, क्या बच्चों, जिनमें आरबीसी पाई जाती है, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है बच्चों,
में आरबीसी क्या है, प्रेजेंट यानी आई जाती है, उन्हें क्या बोला उन्होंने, एनएमा। चलो कर लिया आपने, ओके। तो ये एक और इका फर्क है। अब आप बोलोगे सर हमको से याद करें, अब देखो मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, कल को आप याद कर जाओगे तो आप मिस कर जाओगे, नहीं याद कर पाएगा कि एनएमआई लिखू या इनएमए लिखू। तो इसको याद करने का तरीका देखो, वे प्राणी जिनमें आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी, तो आरबीसी को हम बोलते रेड, रेड बोलते रेड बच्चों सर। और रेड के अंदर क्या रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये ध्यान दोगे जिनमें आर, तो ई आर ई से ही शुरू हो रहा है। आप इसको इस प्रकार, आप लोग इसको इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। देखो आप लोग कल कंफ्यूज हो जाओगे कि एनएमए और इनएमए में कैसे अंतर करें, तो आपको याद हो जाएगा वे जंतु जिनमें आरबीसी है उन्हें हमने नाम दिया इनेमा, ई, और ई वर्ड किसे शुरू हो रहा है, ई से, और ई किस मतलब रेड में, तो रेड का ई चुरा लो, समझ आ गया, रेड का ई चुरा लो, पता लग जाएगा कि हाँ इनमें आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में रेड होता है, और रेड के अंदर ई आता है, ई फॉर एनेमा, ओके इनेमा, और जो बच गया वो कौन है, एनेमा बच गया। चलो ठीक है, इसके अलावा फिर उन्होंने अरस्तु ने पादपों को, पादपों का वर्गीकरण किया, और पादपों को उन्होंने, पादपों को उन्होंने साक हर्ब, साक रूप, सूप जानते हो बच्चों, सूप यानी झाड़ी, सूप यानी झाड़ी, जैसे कि आप लोग जानते, जैसे आप लोगों को अगर बात हम करते थे कि कपास का पेड़ है या बेर की बेर, देखो बोर खत्म बेर, या फिर हम लोग यू कर सकते हैं कि हमारा गुड़हल या झाड़ी, चाय की झाड़ी, ये सब किसी में आती है झाड़ी में। तो अरस्तु ने पादपों को उनके जीवन काल के आधार पर और उनके स्वभाव के आधार पर, स्वभाव का, अब देखो आप लोग साग क्या होता है, देखो साग क्या होता है बच्चों, जिनका जीवन काल कम होता है और जिनका तना पत्तियां बिल्कुल मुलायम, जैसे कि गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा, आलू, गोभी, प्याज, जो भी सब्जियां बोते हैं बच्चों, जो किसान अपने खेत में जो फसल बोता है उसका जीवन काल 6 महीने से या 4 महीने से लेकर 6-7 महीने का होता है, जानते हो ना, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, साग बोलते हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार किसान ही आपस में बात करते हैं, अगर आप सभी खेती से बिलोंग करते हो सब जानते होंगे, हम लोग बात करते हैं इस बार क्या साग बोई है, वो पूछते हैं ना, तो साग का अर्थ यहाँ पर क्या, हर्ब, यस सर, जिसका जीवन काल छोटा हो, जिसका तना मुलायम हो, दिमाग भी क्या रखोगे, जैसे कि गेहूं, जो गेहूं, समझ आ रहा है, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब क्या है, साग में आते हैं, मूली, टमाटर बच्चों, तो इनको साग बोलते हैं। हर्ब क्या होता है, हर झाड़ी क्या होती है, जिसका तना, जो जिसकी लंबाई कम हो, जिसका तना थोड़ा पतला हो लेकिन कठोर हो, जैसे इसके दिमाग क्या रखोगे, आपने दिमाग में रखोगे जैसे कि चाय की झाड़ी, चाय, चाय का बागान देखा तो कभी आप लोग कभी गए हो, या फिर आपके दिमाग का रहा कभी ना कभी बोर तो खाए होंगे आप लोगों, बोर बेर खाए ना, यस सर, यस सर, बेर को क्या बोलते हो, अच्छा मुझे बेर को, पेड़ को क्या बोलते हो, बेर का पेट बोलते हो, बेर की झाड़ी बोलते हो, बेर की झाड़ी, 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 तो झाड़ी में क्या लगा, झाड़ी का तना, झाड़ी का तना क्या होता है, पतला होता है लेकिन कैसा होता है, खट्टोर होता है, और उसकी लंबाई, जिसकी लंबाई साग से लंबी और वृक्ष से छोटी, तो तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा कौन सा प्रकार रखा उन्होंने, वृक्ष, बच्चों समझ आ रहा है क्या, उन्होंने पादपों को उनके उनके किसके अलावा बच्चों, स्वभाव, स्वभाव और जीवन काल, स्वभाव और जीवन काल के आधार पर कितने भागों में बांटा, तीन, साग, साग यानी हर्ब, सूप यानी झाड़ी, 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 ठीक है, और वृक्ष आप जानते हैं वृक्ष क्या होता है बच्चों, जैसे कि ट्री, जैसे कि बरगद, खेजड़ा, बबूल, नीम, ये सब किस में आते हैं, वृक्ष में आते हैं। अब तो आ गया, और आप बच्चों में अच्छी तरह जानते हो, आप इन तीनों की ज्यादा तो नहीं लिख, तीन तीन विशेषता, चार का विषय लिख सकते हो। देखो साग की विशेषता जब लिखने जाओ तो किसको दिमाग में रख लिखोगे, गेहूं को, गेहूं जीवन का छोटा होता है, लंबाई कम होती है, तना मुलायम होता है, होता है ना, तना बहुत मुलायम होता है, राइट, झाड़ी, झाड़ी किसके बीच होता है, झाड़ी है, झाड़ी क्या होती है, जिसमें साग और वृक्ष दोनों के लक्षण हो, थोड़ा थोड़ा, राइट, और इसको लिखने में किसके दिमाग में रखोगे, जैसे कि बेर की झाड़ी या फिर गुड़हल, गुड़हल देखा आपने, गुड़हल, यस सर, नो सर, यस सर, देखो बच्चों, गुड़हल देखो तो आपने कहीं ना कहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने बेर की झाड़ी देखी हो, बेर की, तो आप झाड़ी की विशेषता, झाड़ी की लंबाई,
देखी होगी, ना तो वो लंबा होता है ना छोटा होता है। तो झाड़ी किसके बीच में रखा गया? सांप और वृक्ष। वृक्ष वृक्ष की विशेषता लिखनी है तो वृक्ष का तना कैसे होता है? कठोर होता है, गोल होता है, बेलनाकार होता है, लंबा होता है, जीवन काल ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप जान दो इनका जीवन काल क्या होता है, 50 साल ज्यादा होता है। बरगद की बात अगर 1000 साल, पीपल का 2 साल, आम का 50 साल, नीम का 20-25 साल, ऐसे इनका जीवन काल होता है, 50 साल भी हो सकता है। तो इनका जीवन काल क्या होता है बच्चों? वृक्ष का ज्यादा होता है। चलो ठीक है, तुम कर लोगे, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, हटा दो इसको। अब ये तो अरस्तु। इसके बाद में बच्चों वर्गीकरण की शुरुआत जब सबसे पहले अरस्तु की, उसके बाद आए थे कैरोलस, लीनियस। और मैं फिर कह रहा हूं कैरोलिनियस ने क्या किया बच्चों? कैरोलिनियस ने वर्गीकरण में क्या किया? इन्होंने कैरोलिनियस ने वर्गीकरण के अंदर कौन सी पद्धति बताई? द्विजगत। बच्चों ध्यान देना, द्विजगत। अब आप बोल सकते वो क्या था? वो तो द्विनाम, वो तो नामांकन था। तो कैरोलस लीनियस नामांकन में पद्धति दी थी उसने द्विनाम पद्धति, और वर्गीकरण में क्या थी? द्विजगत। ये कंफ्यूज मत हो जाना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और वर्गीकरण में कैरोलस लीनियस ने कौन सा वर्गीकरण किया? उन्होंने सभी सजीवों को दो जगत में, बच्चों कितने में? दो जगत। और आप जानते जगत वर्गीकरण, यानी जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम। तो कैरोलस लीनियस ने ये क्या किया बच्चों? बाई, यानी अगर बात हम कर सकते हैं बाई किंगडम ये वर्गीकरण, ध्यान देना। और आप और वो पहले जो मैंने पढ़ा वो क्या था? वो नामांकन था। वो नामांकन के वैज्ञानिक एक ही है। तो कैरोलिनियस ने द्विनाम पद्धति भी दी और द्विजगत वर्गीकरण भी किया। तो द्विजगत में इन्होंने क्या किया बच्चों? सभी दो जगत में रखा। पहला रखा पादप जगत, प्लांटी, और दूसरा क्या रखा? जंतु जगत। बच्चों समझ आ रहा है क्या? प्लांटी और एनिमल। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति, कौन से बच्चों? द्विनाम पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया। और सॉरी द्विजगत। तो द्विजगत उन्होंने क्या किया? सभी पादपों को कहां पर रखा? पादप जगत में। और जंतुओं को कहां रखा? जंतु। लेकिन इन्होंने अपने वर्गीकरण में कि जंतु का सजीवों का वर्गीकरण करने में ना तो कोशिकाओं का, ना संगठन का, ना पोषण का इनका ध्यान रखा, बल्कि इन्होंने क्या कर दिया? ध्यान, इनके वर्गीकरण में क्या कमियां थी? सभी पादप जब हो तो इन्होंने क्या किया? सभी जो पादप थे, एक कोशिक, बहुकोशिक, यूकेरियोटिक, प्रोकेरियोटिक, स्वयंपोषी, विषम, इन सबको एक साथ रख दिया और सभी जंतुओं को एक साथ रख दिया। तो ये वर्गीकरण कहीं ना कहीं सभी जंतुओं और पादपों का सही प्रकार से वर्गीकरण नहीं करता, क्योंकि इन्होंने क्या किया? ध्यान दो, कैरोलिनियस ने क्या किया? जो है ना पादप जगत में किस किस को रख दिया? जीवाणुओं को। ध्यान सुना, जीवाणुओं को, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, लिख रहे मेरे साथ साथ, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, यानी सभी पादपों को एक साथ रख दिया। सभी पादपों का रख दिया पादप, और जंतु जगत में क्या कर दिया? सभी जंतुओं में किसको रख दिया बच्चों? इन्होंने स्पंज, प्रोटोजोआ, सभी को, प्रोटोजोआ, प्लेटीएलमेंटीज, मछली, मेंढक, सर्प, गाय, पक्षी, मानव, सभी को कौन सी जगत में रखा? जंतु जगत में। तो इनके वर्गीकरण में ये कमियां थी बच्चों, ये खामियां थी कि इस वर्गीकरण से ये पता लग नहीं पा रहा कि कौन स्वयंपोषी है, कौन विषमपोषी है, कौन एक कोशिक है, कौन बहुकोशिक है, कौन उभयचर है, कौन सरीसृप है। क्या पता लग रहा है? नो सर। आप चलो ठीक है नो सर। एक एग्जाम दे दूं, अगर आपके मेहता स्कूल में या किसी भी स्कूल में कक्षाओं का वर्गीकरण ना करके ये हो जाए कि गर्ल्स और बॉयज दो कैटेगरी हो, कोई कक्षा नहीं, कोई एलकेजी, कोई 11, कोई 12, कुछ नहीं, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स नहीं, और दो ही सेक्शन बना दे, दो ही गर्ल्स एंड बॉयज, तो क्या सभी लड़कियां जो एलकेजी से 12वीं कक्षा तक की लड़कियां एक साथ पढ़ सकती है क्या?
नो सर। नो सर। इसका अर्थ हो गया कि स्कूल के अंदर क्या, अगर आपके स्कूल में माना जा रहा है कि दो ही क्लास चलती, गर्ल्स और बॉयज की चलती, क्लास के साथ नहीं चलती, सेक्शन के साथ नहीं चलती, सब्जेक्ट के साथ नहीं चलती, तो क्या पढ़ाने वाला टीचर कैसे पढ़ाता बताओ, देखिए आप तो डिस्टर्ब होता ना। तो वैसे ही कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में कमी क्या थी कि इन्होंने अपने वर्गीकरण में एक कोष, ध्यान सुनो पर एक दिमाग, एक कोशिक और बहुकोशिक को साथ रखा जो गलत है, स्वयंपोषी बहुकोशिक को साथ, स्वयंपोषी उसको साथ रखा, यानी इसमें राइट राइट बच्चों समझ आ रहा है, प्रोकेरियोट यूकेरियोट एक साथ रख दिया पोषण, तो इसलिए इनका खामित। इसके बाद में द्विजगत, द्विजगत के बाद में फिर एक यू कह सकते हैं इनमें प्रॉब्लम क्या है इस वर्गीकरण में, अरे ध्यान, कैरोलस कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति में क्या कमी थी, क्या कमी, कमी समझ पा रहे हैं क्या, कमी एक थी अनेक थी, सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इस वर्गीकरण में ये पता लग नहीं पा रहा कि कौन प्रोकेरियोटिक है कौन यूकेरियोटिक है, कौन स्वयंपोषी है कौन विषमपोषी है, कौन एककोशिक है कौन बहुकोशिक है, कौन चल है कौन अचल है, समझ आ रहे हैं। इस वर्गीकरण को दूर करने के लिए एक आगे का वैज्ञानिक आया अगला, और वो वैज्ञानिक था फिर उसने नया वर्गीकरण किया, उसने किया त्रिजगत, कौन सा त्रिजगत वर्गीकरण, पहले कौन सा दिया गया, कौन सा दिया गया पहले द्विजगत, पहला वर्गीकरण कौन सा था बच्चों, द्विजगत था, द्विजगत में कितने जगत थे, दो, पादप दो और जंतु, ठीक है जंतु। हाँ, अब फिर इस वर्गीकरण में कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक आया हैकल, ये दिया बच्चों किसने, हैकल ने, हैकल ने एक नए जगत की खोज की, और वो नए जगत उन्होंने बताया प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में जो प्रोकेटिक और यूकेटिक जो थे इनको इन्होंने एक अलग जगत में रख दिया, सुना एक बार, जंतु और पादप तो रख दिया लेकिन नया जगत दे दिया, और इन्होंने क्या कहा कि सजीवों को कितने जगत बांटा, इन्होंने सजीवों को कितने जगत में बांटा बच्चों, तीन किंगडम, तीन किंगडम में रख दिया। तो पहला किंगडम क्या रखा उन्होंने, प्रोटिस्टा, दूसरा कौन सा रख दिया, पादप, और तीसरा कौन सा रख दिया, जंतु। बच्चों तुम्हारा समझ आ रहा है क्या, ये कौन सी पद्धति है, हैकल ने सभी सजीवों को कितने जगत में रखा, तीन में, ठीक है तीन में। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, देखे आप जवाब देना बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे निशा से, निशा निशा आर यू लिसनिंग मी, निशा सुन रहे हो क्या बच्चा, चलो आप मुझे बताओ पादप जगत का खोज किसने की, पादप जगत का खोज करता कौन है, पादप जगत का खोज करता कौन है, कोई बता रहा है क्या, प्रशांत, सानिया, सरिता, नीतू, गौतम, कोई जवाब दे रहा है बच्चा, आवाज आ रही है क्या, अरे आवाज आ रही है सप्ताह के सर, क्वेश्चन क्वेश्चन ये, पादप जगत का खोज करता कौन है, थियोप्रेस्टा, शाबाश, वो तो बड़ा फादर ऑफ बॉटनी है, वो तो फादर ऑफ बॉटनी है, लेकिन मैंने अभी बोला पादप जगत, इस पादप जगत की मैं बात करूं, ये पादप जगत जो है इसका खोज करता कौन है, कैरोलस लिनियस, शाबाश, वेरी गुड, कैरोलस लिनियस। तो पादप जगत और जंतु जगत का खोज करता कौन है, कैरोलस लिनियस है, लिनियस। अच्छा प्रोटिस्टा का जगत, प्रोटिस्टा जगत की खोज किसने की, हैकल ने, हैकल ने। तो हैकल ने पादप और जंतु जगत तो थे ही पहले वाले, एक नया और जोड़ दिया, और प्रोटिस्टा में किसको रखा जिसने, प्रोकेटिक और यूकेटिक को। लेकिन इसके वर्गीकरण में क्या कमियां थी, सुनो इसके वर्गीकरण में क्या की, इसने सभी प्रोटिस्टा में क्या कर लिया, इसने सभी एक को, लेकिन इसमें भी स्वयंपोषी विषमपोषी पता नहीं लग रहा, कोशिकाओं की जटिलता का पता नहीं लग रहा, पोषण का पता नहीं लग रहा, हालांकि इसने प्रोकेटिक और यूकेटिक जो थे, अब इसने भी क्या कर लिया, प्रोकेटिक और यूकेटिक को एक जगह रख दिया, कहां पर, प्रोटिस्टा, ध्यान सुनना, कैरोलस लिनियस ने तो क्या किया बच्चों, प्रोकेटिक यूकेटिक को कहां रख दिया, जंतुओं में रख दिया और पादों रख दिया, भाई जो जंतु प्रोकेटिक थे उनको जंतुओं में और पादप थे उनको पादों में, लेकिन इस हैकल ने क्या किया, प्रोकेटिक जो जंतु और जो पादप थे उनको एक साथ रख दिया, ओके, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रोकेटिक और यूकेटिक में समानता भी है, असमानता भी है,
तो कैसे पता लगेगा कि कौन प्रोगेटिक कौन यूपेटिक है? तो इन्होंने क्या किया कि पादपों को तो पादप में रख दिया और जंतु, और इन्होंने क्या किया, ध्यान सुन रहे हो, त्रि जगत में हैकल है प्रोकेटिक को। आप मुझे लगता है तुम्हें समझ आ ही नहीं रहा होगा, यानी प्रोकेटिक और यूकेरियोटिक कौन से बच्चों, एक कोशिकी, इनको क्या कर लिया, क्या किसमें रखा, प्रोटिस्टा में, किसमें रखा बच्चों, प्रोटिस्टा। पादपों में किस रखा, पादपों को, और इसमें किस रखा, जंतुओं को। अब इसने केवल क्या किया कि कैरोलस लीनियस के जो जगत थे ना उनमें से केवल प्रोकेटिक और यूकेटिक जो जंतु पादप थे उनको एक अलग जगत में रख दिया और उसका नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यस सर, ओके, यस। अब उसके बाद अगला वर्गीकरण, जो है वो था चतुर्थ जगत वर्गीकरण। ये वर्गीकरण दिया बच्चों कॉपलैंड, कॉपलैंड ने दिया, और कॉपलैंड ने एक नया वर्ग, एक नया जगत की खोज की और उसके नाम रखा मोनेरा। ओके, तो इन्होंने एक नया जगत मोनेरा जगत की ओर खोज कर दी, और इन्होंने सभी सजीवों को कितने जगत में रखा, चार में। पहला कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा, प्लांटी, और चौथा कौन सा, एनिमेलिया। अब बच्चों एक बार ध्यान दो, देखो प्रोटिस्टा, प्लांट